नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीएसबी सीजन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 90 के दशक में सुपरहिट मूवी देने वाले मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। हम जानेंगे मिथुन दा की टॉप 10 मूवी जो उनके करियर को ऊंचाई पर ले गई। अगर मैं मिथुन दा की सबसे सफल मूवी की बात करूं तो उनमें से अधिकतर ऐसी मूवी का नाम है जिनका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा। पहले नंबर पर है डिस्को डांसर। 1982 में रिलीज हुई मिथुन दा की ये फिल्म आईएमडीबी रेटिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग देकर सबसे सफल फिल्म बताया है और ये मूवी मिथुन दा के करियर को ऊंचाई पर ले गई थी। नंबर दो पर मूवी आती है प्यार झुकता नहीं। 1985 में आई मिथुन दा की ये मूवी बहुत ज्यादा सुपरहिट और बहुत ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी रही थी। नंबर तीन पर आती है मृग्या। 1977 में आई मिथुन दा की मूवी जो रेटिंग के अनुसार 6.8 रेटिंग देकर सबसे ज्यादा सफल फिल्म बताई गई। नंबर फोर पर आती है अग्निपथ। 1990 में आई अमिताभ बच्चन के साथ उनकी मूवी ये सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ उनकी सबसे ज्यादा सफल फिल्म है, फतेह पादान पर है। नंबर पांच पर आती है थादर कथा। अधिकतर लोगों ने शायद इस मूवी का नाम भी नहीं सुना होगा, देखने की तो दूर बात है, लेकिन ये उनकी काफी ज्यादा सफल मूवी है और आज भी कई एग्जीक्यूटिव्स में एक्टिंग के नाम पर ये मूवी पढ़ाई जाती है। उसके बाद उनकी छठे नंबर पर मूवी आती है विवेकानंद। 1998 में रिलीज हुई मूवी विवेकानंद आईएमडीबी रेटिंग के मुकाबले सबसे ज्यादा रेटिंग दी गई थी इस मूवी को। उसके बाद सातवें नंबर पर आती है उनकी मूवी जल्लाद। 1995 में रिलीज हुई मूवी ये बहुत ज्यादा सुपरहिट हुई थी और उसके गाने ज्यादातर लोगों ने सुने होंगे शायद। नंबर आठ पर मूवी है कसम पैदा करने वाले की। मिथुन दा की 1984 में आई ये मूवी उस समय की सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर थी और उस समय ये उनकी आठवें पायदान पर मूवी थी। और नंबर नौ पर मूवी आती है गुरु जो 2007 में आई थी और उनके साथ अभिषेक बच्चन भी इस मूवी में काम कर रहे थे और ये मूवी काफी ज्यादा सुपरहिट हुई थी। नंबर 10 एंड लास्ट गुलामी। 1985 में आई ये मूवी उस समय की सबसे ज्यादा मल्टी स्टार कास्ट की मूवी थी और मिथुन दा का रोल भी उसमें काफी अहम था और ये उस समय की सुपरहिट मूवी थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।